हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूं व्हर्लपूल वॉशिंग मशीन के एक बेहतरीन और अपडेटेड मॉडल के साथ। तो आइए बिग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जिसके अंदर वॉशर और ड्रायर अलग अलग होते हैं, उसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं। और आप इसका कलर देख पा रहे हैं, इसका कलर कोरल रेड कलर है। ऊपर से कोरल रेड और नीचे से वाइट कलर है, और उसके बाद फिर ये कोरल रेड कलर होता है। और इस वॉशिंग मशीन में टायर्स लगे हुए हैं, जिससे आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। और ये हार्ड प्लास्टिक से बिल्ट इन है। और इसका जो ये टब शेप है, इसका वॉशर का कवर है, ये हार्ड प्लास्टिक और ग्लास से बिल्ट इन है। तो आइए इसको करीब से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको करीब से देख रहे हैं, तो पहले आप इसका लुक देख सकते हैं और इसका कोरल रेड कलर देख सकते हैं। और यहाँ नीचे हमें टायर्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप इसका लुक देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 7.5 केजी मॉडल है। इसकी 5 इयर्स की वारंटी है। और चलते हैं इसके कंट्रोल पैनल पे। तो यहाँ हमें फैब्रिक टाइप मिल रहा है, हैवी है, नॉर्मल है, डेलिकेट है। नॉर्मल यूज़ आता है जैसे डेली के कपड़ों के लिए, पैंट शर्ट। हैवी यूज़ आता है जींस जैसे स्टफ़ के लिए, और डेलिकेट यूज़ आता है कंबल वगैरह के लिए। और यहाँ डर्ट लेवल, ये वॉशर का टाइमर है जो आप देख सकते हैं, 15 मिनट तक नॉर्मल चलता है, उसके बाद सॉक टाइम शुरू हो जाता है जो 25 मिनट तक जाता है। और इसका ये होता है कि 5 मिनट तक वॉश करेगा और 5 मिनट तक पानी सोखेगा, सॉक करेगा। और उसके बाद ड्रेन सेलेक्टर पे हम देख रहे हैं वॉश, और ये ड्रेन का ऑप्शन है। ड्रेन का ऑप्शन आप जब यूज़ कर सकते हैं, जब आप सारे कपड़े अपने वॉश कर लें और बाद में पानी को वॉशर को पानी जो सारा बाहर निकालना हो। और ये ड्रायर है जो जिसका टाइमर 5 मिनट्स तक एक्सटेंड होता है। और ये वॉशर का आप कवर देख सकते हैं, जो एक टब शेप में बना हुआ है, जिसके यहाँ हमें होल्स भी दिए गए हैं, जो हार्ड प्लास्टिक और ग्लास से बिल्ट इन है, जिसको आप कपड़े वॉश करते टाइम यहाँ साइड में हैंग भी कर सकते हैं इस तरह। और ये आप वॉशर अंदर से देख रहे हैं, तो यहाँ कंपनी की तरफ से ये कुछ एडवांस ब्रश सिस्टम दिया हुआ है। और ये नेट है यहाँ पे, जो कपड़े के वेस्ट रेशे वगैरह इस नेट के अंदर आ जाते हैं। और ये कंपनी की तरफ से एक पाइप दी गई है, और ये व्हर्लपूल और एरियल का बहुत अच्छा डिटर्जेंट भी दिया गया है। और ये हमें यहाँ नेट भी अवेलेबल होता है। तो ये वॉशर अंदर से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं ड्रायर की ओर। ये ड्रायर है, ये कुछ कंपनी की तरफ से मैनुअल गाइड है। और ये ड्रायर का इंटीरियर लुक है। ये होल्स हैं जो पानी को सोख कर बाहर निकाल देते हैं। और ये जो वॉशर का कवर है, इसको आप एज ए टब भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को यहाँ वॉशर से निकाल कर यहाँ रख सकते हैं आप, और फिर यहाँ इसके अंदर होल्स दिए गए हैं, जो पानी जो होगा कपड़ों के अंदर, वो वापस वॉशर के अंदर चला जाएगा, और फिर आप उसको ड्रायर के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वॉशिंग मशीन का प्राइस 11.5 से 12 हज़ार के रेंज के बीच में होगा। जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, अगर आपको इससे ज़्यादा की मिले तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अगर आपको इससे कम की मिले तो आप ज़रूर लीजिएगा। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी इस वॉशिंग मशीन को एक ये जैसे 7.5 केजी का मॉडल है, आप इसको 7 केजी के मॉडल से या 8 केजी के मॉडल से अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा मेरी पास्ट वीडियोस का, आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई इंक्वायरी हो या फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करना हो किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, या कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिग अनबॉक्सिंग में ऐसे ही बने रहिए।